अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेबी टेक्नीशियंस। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्यूबलाइट की, इसको फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। आज इसके वायरिंग कनेक्शन की बात करेंगे कि इसका वायरिंग कैसे की जाती है। हालांकि ये काफ़ी ओल्ड हो गया, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन होना और इसका पता होना जो इलेक्ट्रिशन हजरात काम करते हैं इनके लिए ज़रूरी है। तो आज हम ट्यूबलाइट के कनेक्शन की बात करेंगे। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताऊंगा, फिर आपको इसकी जो वायरिंग की है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चलो चलते हैं डायग्राम की तरफ। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे ये हमारी ट्यूबलाइट है, ठीक है। ये दो इसके पिन है, ठीक है दोस्त। एक हमारे पास इसके लिए चौक होगा, ये हमारे पास इसका चौक है, ये इसका कनेक्टर है। ये दोस्तों, और एक इसके लिए हमारे पास स्टार्टर होगा। आपको बताता जाऊं कि ये 40 वाट की ट्यूबलाइट है, इसका चौक भी 40 वाट का होता है। ये हमारे पास स्टार्टर है इसका, ठीक है। इसको मैं आपको पहले वायरिंग का कनेक्शन बता दूं दोस्तों। ये मैं आपको कनेक्शन इसके कनेक्टर की शक्ल में बता रहा हूँ। कनेक्टर जो लगाते हैं वो कनेक्टर से लगा के बताऊंगा, क्योंकि इसकी पट्टी नहीं है हमारे पास। मैं आपको कनेक्टर से लगा के इसके कनेक्शन बताऊंगा। दोस्तों आपको समझाने के लिए, ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, हमने जो ट्यूब में कनेक्टर लगाए हैं वो पीवीसी के हैं, ये पोर्सलिन के हैं। लेकिन समझाने के लिए, इसे कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर हम जब इसमें कनेक्शन करते हैं तो ये जो दो पॉइंट है इसके ट्यूबलाइट की पिन के अंदर लगा दिए जाते हैं, और ये दो पॉइंट उसके वायर लगाने के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं इसके आपको कनेक्शन बना देता हूँ। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने इसका ट्यूबलाइट के आगे कनेक्टर लगाया हुआ है, जो आपको मैंने अभी दिखाया है। इसको आप होल्डर भी समझ सकते हैं, क्योंकि पट्टी के होल्डर होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपने करना ये है कि पहले आपने सीधा ये कनेक्टर का पॉइंट एक है, इसमें एक वायर लगाया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दूसरी साइड से ये सीधा वायर आ गया, ठीक है दोस्तों। ये वायर देख रहे हैं आप, ये सीधा बिल्कुल आपस में बंद है, और इसको हमने जिस एग्जांपल के तौर पे काटा तो ये आपका स्टार्टर में डायरेक्ट लग जाएगा। ये आया सीधा, और ये स्टार्टर का बकायदा होल्डर होता है जो उसमें लगता है, लेकिन ये आपको मैं स्टार्टर में लगा के बता रहा हूँ, जैसे मैंने ट्यूबलाइट के कनेक्शन किए हुए हैं। वही दूसरी लाइन जो उसकी तरफ दूसरी साइड से आ रही है, वो स्टार्टर के दूसरे पॉइंट में लग जाएगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके दो पॉइंट और स्टार्टर जो है वो लग गया, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है दोस्तों। इसका मैं ये बता रहा हूँ कि ये वायर आप जो है इस पॉइंट से लेंगे सीधा वायर, और ये वायर आपको जो चौक का कनेक्टर लगा हुआ है उसके एक साइड में लग जाएगा, ठीक है। अब ये वायर आपके पास एक खाली रह गया है, ये वाला पॉइंट जो कनेक्टर का है ट्यूबलाइट में लगा हुआ है, यहाँ से एक वायर आएगा और ये सीधा आपका प्लग में चला जाएगा। इसके साथ प्लग लगा लेंगे या न्यूट्रल की में लग जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रल का वायर है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास चौक का एक पॉइंट खाली है, वहाँ से एक तार निकलेगा और ये नीचे आ जाएगा। इसमें आप
फेज का तार लगा देंगे, यानी कि प्लग लगा दो या इसको सीलिंग रोज में कनेक्शन करो, जैसे भी आप करना है। ये आपका न्यूट्रल फेज इसमें जॉइंट होएगा, तो ये आपके ट्यूबलाइट के कनेक्शन जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको ट्यूबलाइट में ये जो लगाया हुआ है उसके बारे में आपको भी समझा देता हूँ। ठीक दोस्तों, वही जो कनेक्टर की बात कर रहे थे, ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये ट्यूबलाइट में कनेक्टर लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें से आप ये देख रहे हैं कि ग्रीन वायर आ रहा है, ये ग्रीन वायर सीधा स्ट्रेट आ रहा है और ये स्टार्टर के एक पॉइंट में लग गया। ठीक है, दूसरा वायर हमने कनेक्टर से लिया ट्यूबलाइट की दूसरी साइड से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और ये निकाला और हमने इसको स्टार्टर के दूसरे पॉइंट में लगा दिया। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे होंगे कि ब्लैक वायर हमारे साथ चल रहा है, उसी साइड से कनेक्टर के दूसरे पॉइंट में हमने ब्लैक वायर लगाया है। ठीक, और ये ब्लैक वायर सीधा आके ये हमारे न्यूट्रल की जगह पे आगे हमने प्लग लगाया हुआ है, प्लग के न्यूट्रल की वायर के साथ लगा दिया हमने। ठीक, इसी तरह दूसरे कनेक्टर से हमने जो लगाया हुआ है ट्यूबलाइट का दूसरा कनेक्टर, उसमें से दूसरे पॉइंट में से लेके आप ये देख रहे होंगे, कि ये सीधा यहाँ से निकल के सीधा चौक में जा रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि सीधा ये चौक में से निकल रहा है। अब चौक का जो चौक कनेक्टर लगा हुआ है, इसका दूसरा पॉइंट है, वहाँ से ये वायर निकल के ये सीधा हमारे पास जो हमने तार का प्लग लगाया हुआ है उसके फेस की जगह पे हमने इसको ये जॉइंट कर दिया। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, ये न्यूट्रल का तार और ये फेस का तार जो हमारा चौक के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये लाइट ऑन हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये प्लग हमने इसका लगा दिया, इसके प्लग में आप देख रहे होंगे कि ट्यूबलाइट जो है हमारी वो ऑन होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।